हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप काफी अच्छे होंगे आप घर पे। और इस कोरोना काल के अंदर, इस लॉकडाउन के अंदर आप घर पर केस स्टडी ग्रुप आप सबके लिए लेकर आए, घर बैठे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क फुल कोर्स के साथ घर बैठकर आप आराम से तैयारी कर सकते हो। लॉकडाउन चल रहा है, होता है कहीं घर से बाहर नहीं निकल सकते, हमें कोचिंग करनी है, हमें क्लासेस लेनी है, तो वेस्ट स्टडी ग्रुप का यही लक्ष्य था कि आप घर बैठकर आराम से अपनी कोचिंग करिए, जारी रखिए। इसीलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबके लिए लेकर आए हैं, पूरा फुल कोर्स लेकर आए हैं, गारंटीड कोर्स लेकर आए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आए हैं ये कोर्स पूरा आपके लिए। तो आप खूब इंजॉय भी कर रहे होंगे, आपके हर सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से क्लासेस चल रही हैं। तो इसी तरह बस आप बनते रहिए, क्लास को रेगुलर लगाते रहिए, एक फील की तरह पढ़िए कि हम प्रॉपर क्लास पढ़ रहे हैं। प्रॉपर प्रकार से अपनी नोटबुक पेन लेकर बैठिए, ठीक है, अपना डाटा वगैरह जो भी आपका है उसे बचा कर रखिए क्लास के लिए, ठीक है। क्योंकि एक बार लाइफ में सक्सेस हो गई तो उस डाटे का यूज आप जहां मर्जी कीजिए, लेकिन एक बार अपने आपको सक्सेस की पॉइंट पर लेकर जाइए, ठीक है, शिखर तक लेकर जाना है। और यही हमारे इस वेस्ट स्टडी ग्रुप का मोटिव यही है कि आप सभी के सपनों को पूरा करना, आप सभी के जो भी सपने हैं कि हमें यूपीएससी वगैरह के अंदर आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, सीडीएस, सीपीओ, हर अपने को पूरा करने के लिए वेस्ट स्टडी ग्रुप आपके सामने आया है। तो हम पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। आज हम पढ़ेंगे बजट के अंदर ही नेक्स्ट टॉपिक आता है फिस्कल पॉलिसी। राजस्व नीति, फिस्कल पॉलिसी, राजस्व नीति क्या होता है ये? हमने आरबीआई पढ़ा था, आरबीआई रेगुलेट करती है मॉनेटरी पॉलिसी। दो चीजें होती है, देखिए एक बार थोड़ा बेसिक से जीरो से मैं आपको थोड़ा सा करवा रहा हूं, बैक में ले चलता हूं आपको मैं। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, और एक होती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी होती है मौद्रिक नीति और फिस्कल पॉलिसी होती है राजस्व। क्या फर्क क्या है क्या ये दोनों? हमारे देश को दो ही जने चलाते हैं, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसे चलाने वाले सिर्फ दो ही जने हैं। एक है हमारी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो देश के लिए काम करती है, देश के डेवलपमेंट के लिए काम करती है, इकोनॉमिक को ग्रोथ में ले जाने के लिए काम करती है। और एक काम करती है हमारे देश की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, जो हमारे हर देश का अपना होता है एक सेंट्रल बैंक। जो चीजें आरबीआई के अंडर में आती हैं, जो चीजें आरबीआई रेगुलेट करता है, आरबीआई के अंडर में आती है, वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है। जिन चीजों पर आरबीआई रेगुलेट करती है, आरबीआई रूल्स बनाती है, नियम बनाती है, या आरबीआई के अंडर में जो चीजें आती है वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति कहलाती है। फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो इस पर रेगुलेट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी जो भारत देश की भारत सरकार है वो इसे। जो चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है वो गवर्नमेंट की क्या कहलाती है? फिस्कल पॉलिसी कहलाती है, राजस्व नीति का। दो चीजें हैं ये, समझते हैं इसको है क्या। मान लीजिए आप किसी कहीं पर लोन लेने के लिए गए बैंक के अंदर, लोन के अंदर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा लोन अगर ले रहे हो तो। अब इंटरेस्ट कम हो गई या इंटरेस्ट बढ़ा दिया, इंटरेस्ट कम या ज्यादा, मैंने आपको बताया था रेपो रेट, याद आ रहा है? रेपो रेट एग्जाम का क्वेश्चन है ये, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। साथियों ध्यान से सुनना, क्योंकि आपके जो भी क्वेश्चन करवाए हैं आपको वो साथ दिल्ली पुलिस के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके हूबहू इन्हीं क्लासों से आ रहे हैं, जो वेस्ट स्टडी ग्रुप के अंदर आपने पढ़े हैं उन्हीं क्लासों से आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन भी पूछा गया था आपके एग्जाम के अंदर कि रेपो रेट किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, या रेपो रेट को कंट्रोल कौन करता है, उसको मतलब इंक्रीज या डिक्रीज उनके अंदर कौन करता है। तो ये इसका राइट आंसर था आरबीआई। अगर आपको याद हो मॉनेटरी पॉलिसी की, अगर आपने क्लास लगाई है मेरी इस वेस्ट स्टडी ग्रुप पे, मॉनेटरी पॉलिसी की क्लास थी मेरी, आरबीआई का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम था टू कंट्रोल दी मॉनेटरी पॉलिसी। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, आरबीआई के पास कौन कौन से 6 हथियार होते हैं जिनसे वो देश के अंदर इन्फ्लेशन से लड़ता है, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई से लड़ता है। याद आ रहा आपको सभी चीजें? तो रेपो रेट को कौन कंट्रोल करती है? आरबीआई कंट्रोल करती है। एक चीज होती थी, मैंने आपको क्वेश्चन था आपका लिक्विडिटी, मार्केट में जो तरलता है लिक्विडिटी,
लिक्विडिटी कौन कंट्रोल करती है, लिक्विडिटी किसके अंडर में आती है, लिक्विडिटी पर काम कौन करती है, आरबीआई करती है, गवर्नमेंट करती है। तरलता का मतलब होता है पैसा, मार्केट में कितना पैसे की मात्रा क्या है, बहुत ज्यादा है। लिक्विडिटी, अगर मार्केट में लिक्विडिटी जितनी ज्यादा होने लग जाएगी, मार्केट में तरलता जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उतनी मार्केट में इन्फ्लेशन क्या होगा साथियों, बढ़ता रहेगा, मुद्रा स्फीति महंगाई क्या होगी, बढ़ती रहेगी। तो लिक्विडिटी पर कंट्रोल कौन करती है, वो करती है हमारी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। ध्यान रखना है, लिक्विडिटी मार्केट में न तो ज्यादा होनी चाहिए और न कम होनी चाहिए। देखा होगा लिक्विडिटी जितनी ज्यादा बहेगी, बहेगा मतलब क्या होता है, अगर जो नदी है, जो समुद्र है हमारे, जो नदियां हैं, नहरें हैं, अगर जितनी तेजी से बहेंगी, वो अपने साथ साथ क्या लेकर जाएगी, पास में जो पेड़ हैं, पौधे हैं, छोटे छोटे गांव हैं, उन सभी को बहाकर अपने साथ ले जाएगी। भाई समझ आई? उसी प्रकार से लिक्विडिटी की बात करें, अगर मार्केट में जितना ज्यादा पैसा हो जाएगा, उतना ज्यादा वस्तुओं की जो प्राइस है, जो कीमतें हैं, महंगाई क्या होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो लिक्विडिटी जो होती है, तरलता होती है, उस पर कंट्रोल कौन करती है, आरबीआई करती है। उस पर कंट्रोल कम या ज्यादा करने के लिए आरबीआई के पास क्या है, 6 हथियार हैं, याद आ रहा है, सीआरआर, एसएलआर, आरआर, रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ एंड रिवर्स रेपो रेट, याद आ रहा है, 6 हथियार हमने पढ़े थे। तो जो चीजें आरबीआई के अंडर में आती हैं, वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है, और जो चीजें गवर्नमेंट के अंडर में आती है, वो गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती, सॉरी, फिस्कल पॉलिसी कहलाती है। जैसे मैंने आपको बजट चलाया था अभी, बजट हर साल पेश होता है, बजट जो है हर साल पेश होता है, बजट जो पेश होता है, बजट कौन पेश करता है, आरबीआई पेश करती है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेश करती है, आप सभी ने मुझे बताना है। जो बजट है हर साल आता है कि हमने देश को ऐसे करना है, ऐसे चलाना है, तो खर्चों का और इनकम का जो भी ब्यौरा दिया जाता है, वो जो बजट है वो कौन बनाती है, आरबीआई बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। आप कहोगे सर गवर्नमेंट बनाती है, तो बजट हमारे इंडिया की कैसी पॉलिसी है, तो बजट हमारे इंडिया की कैसी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी। मैंने कहा मैं मार्केट नेशनल हाईवे पर जा रहा था, नेशनल हाईवे पर जाते जाते मुझे क्या देना पड़ेगा, टोल टैक्स देना पड़ेगा, देना पड़ेगा टोल टैक्स, अगर मैं किसी नेशनल हाईवे से गुजर रहा हूं तो टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो टोल टैक्स है, वो टोल टैक्स सस्ते हो गए या महंगे हो गए, उनका प्राइस कम या ज्यादा, उनके लिए जो रूल्स है वो कौन बनाती है, आरबीआई बनाती है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, बताइए मुझे। टोल टैक्स अगर महंगे हो रहे हैं, टोल टैक्स अगर सस्ते हो रहे हैं, तो उसके लिए नियम, रूल, रेगुलेशंस कौन बनाती है, आरबीआई बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट के अंडर में आता है टोल टैक्स, जो भी होता है टैक्स वगैरह। तो जो चीजें गवर्नमेंट के अंडर में आती है, वो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी कहलाती है, और जो चीजें आरबीआई के अंडर में आती है, वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है। किसी बैंक को लाइसेंस देना है, लाइसेंस नहीं देना है, किस बैंक का लाइसेंस कैंसिल करना है, या किस बैंक पर एएमएल लगाना है, एएमएल होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, जो कोई बैंक जो होता है वो ब्लैक मनी करता है, अगर ब्लैक मनी को व्हाइट में अगर कोई कन्वर्ट कर रहा है, तो उसके लिए कौन सा एक्ट लगा हुआ है, नियम बना हुआ है, एएमएल है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लगता है, ध्यान रखना है, एक्ट है ये, ध्यान, कुछ बीच बीच में थोड़ा सा बता देता हूं, ध्यान रखना, ये एएमएल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, कि अगर कोई बैंक ब्लैक मनी, ब्लैक मनी का मतलब जिस पर आपने ब्याज नहीं दिया, जिस पर आपने इनकम कमा ली और उस पर भारत सरकार को आपने अगर टैक्स नहीं दिया, तो वो मनी कैसी कहलाती है, वो पूंजी कैसी कहलाती है, ब्लैक मनी कहलाती है, काला धन कहलाता है। और उस अगर काले धन को व्हाइट में कन्वर्ट कर देते हो, तो उसे क्या कहलाता है, एएमएल। अगर कोई बैंक ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करता है, तो उस पर कौन से एक्ट के तहत कार्रवाई होती है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत क्या होती है, कार्रवाई होती है, ठीक है। तो जो ये ब्लैक मनी को चेंज करा, ये किसके, आरबीआई। तो जो चीजें आरबीआई के अंडर में आती है, वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है। लोन सस्ते हो रहे हैं, लोन महंगे हो रहे हैं, अब लोन सस्ते और महंगे कौन करता है, आरबीआई करती है, गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट नहीं करती, आरबीआई करती है, ध्यान रखना। तो वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आती है। तो हमने मॉनेटरी पॉलिसी टॉपिक पढ़ लिया था, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिस्कल पॉलिसी, राजस्व नीति, कि भारत सरकार देश के लिए बजट बनाती है हर साल। बजट पूरे भारत देश के लिए बन रहा है, न कि किसी एक पर्सन के लिए बन रहा है। तो आपको मेरी फर्स्ट फर्स्ट क्लास याद आ रही होगी, मैंने आपको बताया था, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब क्या होता है, कि किसी एक पर्टिकुलर के बारे में, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिट, फर्म,
या यूनिट के बारे में, व्यक्ति के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, फैक्ट्री के बारे में बात करना क्या होता है? माइक्रो। और होल नेशन के बारे में अगर बात करना वो क्या कहलाता है? मैक्रो। तो बजट है क्या? बजट सरकार एक व्यक्ति के लिए बनाती है? पर्टिकुलर अगर कोई योजना आ रही है तो क्या किसी एक व्यक्ति के लिए आएगी? पर्टिकुलर अगर लोन दिया जा रहा है तो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को दिया जाएगा? नहीं, सरकार जो बजट बनाती है वो पूरे देश के लिए बजट बनाती है। तो बजट हमारे इंडिया के अंदर किस प्रकार की इकोनॉमिक्स में आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, ये समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट आता है। दूसरी चीज, जो बजट है हमारे इंडिया की कैसी पॉलिसी है, कैसी नीति है, तो हमारे देश की एक फिस्कल पॉलिसी है बजट, क्योंकि इस पर रेगुलेट, इसको जो नियम बनाती है, इसके लिए जो काम करती है वो भारत देश की सरकार करती है। अब बजट बनाया जाता है, बजट बनाने के लिए, इतना बड़ा बजट बना रहे हैं पूरे देश को चलाने के लिए, तो बजट बनाने के लिए क्या चाहिए साथियों? पैसा चाहिए, रुपए चाहिए। तो हमारा यही टॉपिक है आज का कि भारत सरकार के पास पैसा मतलब इनकम कहां कहां से होती है, भारत सरकार को रिसिप्ट मतलब प्राप्तियां कहां से होती है, पैसे की प्राप्तियां इनकम कहां से होती है, और अगर उस पैसा आ रहा है सरकार के पास तो सरकार वो पैसा खर्च कहां कहां पर करती है, मतलब सरकार के एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं जहां पर उस पैसे को यूज किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, हेडिंग लिख लीजिए, फिस्कल पॉलिसी राजस्व नीति। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये कि सरकार पैसा कहां से लाती है, इनकम कहां से होती है सरकार को, कि सरकार इतना बड़ा बजट बना रही है। हमने देखा कि हमने एजुकेशन के लिए 64,000 करोड़ रुपीज दे दिए, ठीक है, इसके अलावा किसानों के लोन माफ करे, नई रेलगाड़ियां लाई जा रही है, या आपने देखा होगा रिसेंटली हमारे भारत देश के अंदर बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, तो बुलेट ट्रेन जो चलेगी, बुलेट ट्रेन जो पटरियों पे चलेगी, उसकी जो पटरियां बनाई जाएगी या उसके लिए जो जो बनाया जाएगा रोड बनाई जाएगी, जो उस रोड का जो ठेका दिया है, जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो किसको दिया है? L&T कंपनी को दिया है, लर्सो एंड टर्बो कंपनी है। ये वही कंपनी है जिसने, अगर आपने सुना होगा, विश्व की सबसे बड़ी स्टैच्यू कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, पता होगा आप सभी को, वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टैच्यू, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। कहां पर है? ये गुजरात में है, और कितने हैं? 182 मीटर ये क्या है मूर्ति, काफी ऊंची है। ये कंपनी बनाई थी, ये मूर्ति बनाई गई थी L&T कंपनी के द्वारा। उसी प्रकार से भारत सरकार ने इस साल भी जो हमारी बुलेट ट्रेन के लिए रोड बनेगी, उस रोड का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो कौन सी कंपनी को दिया है? L&T लोर्वो एंड टोरेंस कंपनी को क्या दिया है? ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है लगभग 28,000 करोड़ रुपीज के अंदर दिया है। इसके अंदर बुलेट ट्रेन नहीं आ रही है, ध्यान रखना है, इसके अंदर अभी सिर्फ रोड वगैरह बनेगी वो, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ कंपनीज वगैरह होती है जिनको क्या दे दिया जाता है? कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। तो सरकार की कौन कौन सी इनकम है, सरकार के कौन कौन से खर्चे हैं, वो सारी चीज हम पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी के। दो प्रकार की हुई बात करें, सबसे पहले एक होगी सरकार को इनकम कहां से होती है, इनकम, इनकम लिख लो या रिसिप्ट लिख लो, मतलब आय या प्राप्ति। अब इनकम आएगी, पैसा आएगा हमारे पास, अगर पैसा आएगा हर मंथली हमारे घर में इनकम आ रही है, तो साथ के साथ क्या होगा? खर्चा भी तो होगा, एक्सपेंडिचर भी होगा, मतलब खर्च या व्यय। इस सरकार के पास पैसा कहां कहां से आता है और सरकार उस पैसे का कहां कहां पर खर्च करती है, यूज करती है। फिस्कल पॉलिसी इनकम और एक्सपेंडिचर, आय और खर्च या व्यय। अब सरकार को इनकम भी दो तरीकों से होती है, सरकार को इनकम भी होती है वो दो तरीकों से होती है। फर्स्ट होती है हमारी रिवेन्यू इनकम या रिवेन्यू रिसिप्ट कह दो, एक ही बात है, जिसे कहते हैं राजस्व आय, राजस्व आय। और सरकार की दूसरी जो इनकम होती है वो होती है कैपिटल इनकम या कैपिटल रिसिप्ट कह दो, एक ही बात है, इसे कहते हैं पूंजीगत आय। इनकम और एक्सपेंस दो ही होते, खर्चे आपको बताया था, सरप्लस बजट पढ़ा था, डेप्रिशिएट बजट पढ़ा था, या आपने बैलेंस बजट पढ़ा था कि अगर
इनकम ज्यादा हो खर्चे कम हो वही चीज है। तो सारा खेल इनकम का है कि पैसा आएगा तभी तो खर्च करेंगे, है ना। तो सरकार को इनकम दो तरीकों से होती है, एक होती है रिवेन्यू इनकम होती है और एक होती है कैपिटल इनकम होती है। उसी प्रकार से बात करें सरकार खर्च भी दो तरीकों से करती है, सरकार खर्च भी दो तरीकों से करती है, एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब इसे कहते हैं राजस्व खर्च, और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसे कहते हैं पूंजीगत खर्च। यहां से आपके सामने कुछ क्वेश्चन निकल के आए, फिस्कल पॉलिसी को कौन रेगुलेट करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बजट बनाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो बजट हमारे इंडिया की कैसी पॉलिसी है, कैसी नीति है? एक फिस्कल पॉलिसी है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है कि सरकार के पास इनकम कहां कहां से आती है, कि सरकार देश चला रही है। अभी आप देख रहे हो कोरोना काल चल रहा है, ठीक है, इतने बड़े पूरे विश्व के अंदर महामारी आई हुई है, तो इस महामारी के अंदर हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो तो बिल्कुल चौपट हो चुकी है, जीडीपी गिरती जा रही है। क्यों आपको बता रहे जीडीपी क्यों गिर रही है? क्योंकि अगर देखो प्रोडक्शन हो ही नहीं रही है, उत्पादन हो नहीं रहा है, मतलब सारे के सारे सर्विस सेक्टर बंद पड़े हैं, मतलब स्कूल कॉलेज ऑफिस सिनेमा घर ब्यूटी पार्लर, ठीक है, एंटरटेनमेंट जोन मॉल्स शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये सारे के सारे क्या पड़े हैं, ट्रांसपोर्टेशन ट्रेवल ट्रेन बसेस या मेट्रो सब कुछ बंद पड़ा है। इसके अलावा बात करें इंडस्ट्रीज के अंदर कोई फैक्ट्रियां नहीं खुली हुई। क्यों? फैक्ट्रियां कब खुलेगी ये बताओ मुझे, फैक्ट्रियां जो है कारखाने हैं बड़े बड़े ऑफिस वगैरह हैं कब खुलेंगे? मोबाइल है, मोबाइल लीजिए, मोबाइल की कोई फैक्ट्री है, अब मोबाइल की फैक्ट्री कब खुलेगी? जब लोग मोबाइल की डिमांड करेंगे। अब कोई मोबाइल की डिमांड कर ही नहीं रहा है इतनी, क्योंकि देश बंद पड़ा है, लोगों के पास पैसा लिमिटेड मात्रा में है, उससे अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे। याद आ रहा है आपको बेसिक नीड, हमारे जो पढ़ा था हमने पॉवर्टी, कि जो पर्सन अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पा रहा है वो व्यक्ति क्या कहलाता है? फिर गरीबी नहीं कहलाता है, वो व्यक्ति गरीब नहीं होता है। तो पहले हमारी नीड रहती है कि हमें बेसिक नीड्स को पूरा करना है, हमारी जो रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन और हेल्थ है वो हमारी बेसिक नीड है, इसको पूरा करना है। अब मोबाइल की कोई डिमांड कर ही नहीं रहा, अब कोई डिमांड करेगा ही नहीं मोबाइल की, तो कंपनी वाले हैं या फैक्ट्रियों वाले हैं वो मोबाइल कैसे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे जब कोई डिमांड ही नहीं कर रहा? तो चलिए जी नहीं कर रहा डिमांड, अब क्या करे? तो डिमांड ही अगर नहीं होगी तो क्या प्रोडक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो प्रोडक्शन जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो सभी क्या हो गया? डाउन हो गया। तो सरकार के पैसा आया ही नहीं, इनकम हुई नहीं। तो सरकार के पास इनकम अगर हुई नहीं तो सरकार खर्च तो करना करेगी ना, कुछ अपने पास बैलेंस बना के रखती है कुछ, ताकि हमें देश के लिए खर्च करना पड़े इमरजेंसी के तौर पर, तो कैसे खर्च करे? तो यहीं पर आता है इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकम भी सरकार को दो तरीकों से होती है, रिवेन्यू इनकम एंड कैपिटल इनकम। सरकार खर्च भी दो तरीकों से करती है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हमारा जो आज का फर्स्ट रहेगा, फर्स्ट हम हेडिंग लिख लीजिए आप रिवेन्यू इनकम, ये हमारा फर्स्ट रहेगा। सेकंड हम पढ़ेंगे कैपिटल इनकम, थर्ड हम पढ़ेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड फोर्थ हम पढ़ेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हमारा जो चार्ट है ये कंप्लीट होने वाला है, तो इसको आप फर्स्ट लिख लीजिए हमारा रिवेन्यू इनकम या राजस्व आय या प्राप्ति किसे कहते हैं। तो देखते हैं किसे कहते हैं रिवेन्यू इनकम, सरकार की रिवेन्यू इनकम कौन सी होती है। आपको इसमें क्वेश्चन पूछता है, एक देगा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देगा आपको एग्जामिनर, आपको उसके बेस पर बताना होगा कि ये हमारा सरकार की क्या है, इनकम है या एक्सपेंडिचर है। इनकम है तो कैसी इनकम है और एक्सपेंडिचर तो किस प्रकार का है, ये आपके सामने एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। कि मान लीजिए अभी मैं आपको कराता हूं, तो आपको बताना है कि वो हमारी किस प्रकार की इनकम है या किस प्रकार का खर्चा है। फर्स्ट सबसे पहले फर्स्ट लिखिए रिवेन्यू इनकम, राजस्व आय किसे कहते हैं। सरकार की ऐसी इनकम, गवर्नमेंट की ऐसी इनकम जिस पर गवर्नमेंट की लाइबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब दायित्व न हो, ध्यान रखना है, सरकार की ऐसी आय सरकार की ऐसी इनकम जिस पर सरकार का दायित्व लाइबिलिटी न हो वो सरकार की क्या कहलाती है, रिवेन्यू इनकम कहलाती है। देख देता हूं मैं यहां पे, सरकार की ऐसी इनकम
सरकार की ऐसी आय या इनकम जिस पर सरकार का दायित्व, दायित्व का मतलब होता है लायबिलिटी, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी न हो, वो क्या कहलाता है? रिवेन्यू इनकम या राजस्व आय कहलाती है। अभी आपको मुझे पता है सही में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल लिखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल अगर लिखें तो सरकार को जो रिवेन्यू इनकम आती है वो दो तरीकों से आती है। सरकार को जो रिवेन्यू इनकम आती है वो दो तरीकों से आती है। एक आती है टैक्सेबल, एक इनकम जो आती है वो आती है टैक्सेबल, और एक होती है नॉन टैक्सेबल। नॉन टैक्सेबल, ये आपको दोनों चीजें याद रखनी है। सरकार को जो रिवेन्यू इनकम आती है, सभी को पता है टैक्स कि सरकार को जो मेनली इनकम होती है वो टैक्स के द्वारा होती है, ठीक है, ये मान लेते हैं आपके, गलत नहीं है। लेकिन टैक्स के अलावा सरकार के पास नॉन टैक्सेबल भी इनकम आती है। अब ये नॉन टैक्सेबल इनकम कौन सी होती है, पहले हम देखते हैं टैक्सेबल इनकम। हम पढ़ रहे हैं फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी का अंदर आता है कि सरकार को इनकम कहां से होती है और सरकार उस पैसे को खर्च कहां पर करती है। इनकम फिर दो प्रकार की होती है, रिवेन्यू एंड कैपिटल। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं रिवेन्यू इनकम, किसे कहते हैं कि गवर्नमेंट की ऐसी इनकम जिस पर गवर्नमेंट की लायबिलिटी न हो। लायबिलिटी न हो का मतलब क्या है, जिसे सरकार को वापिस देने की जिम्मेवारी, वापिस देने का दायित्व न हो, वो क्या कहलाती है? रिवेन्यू इनकम या राजस्व आय कहलाती है। ये दो प्रकार से सरकार कैलकुलेट करती है, इसमें दो प्रकार का आता है। एक होता है टैक्सेबल, टैक्स आपको सभी को पता है भारत सरकार को हम क्या देते हैं, डायरेक्ट टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी देते हैं, ठीक है, जीएसटी के फॉर्मेट में देते हैं, वो सभी को पता है। टैक्स हम अपना इनकम का टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, वेल्थ टैक्स देते हैं, अपना होटल शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स में हमने कोई शॉपिंग करी, या एजुकेशन पे बात करें, या हमने कोई भी चीज प्रोडक्ट परचेज की, गुड्स या सर्विस, उस पर हम क्या देंगे, टैक्स देंगे। ये तो सही में आता है, एग्रीकल्चर टैक्स हो गया, टोल टैक्स हो गया, ये सारे किस में आते हैं, टैक्स में आते हैं सारे, है ना। ये नॉन टैक्सेबल कौन सी चीजें होती है, नॉन टैक्सेबल चीजों की बात करें तो इसमें अगर बात करूं, फर्स्ट बात करें अगर जैसे नॉन टैक्सेबल, अभी आप देख रहे हो कोरोना काल चल रहा है, तो दिल्ली के अंदर क्या किया कि कोरोना काल के अंदर अरविंद केजरीवाल ने एक नियम बनाया कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के दिखता है, बिना मास्क के अगर पकड़ा जाता है पुलिस के द्वारा, तो उस पर 2,000 रुपए का क्या लगेगा, फाइन लगेगा। सुना होगा आपने, गाइडलाइन से दी जाती है 2,000 है, कहीं पर 1,000 रुपए है, कहीं 500 रुपए है, या 10,000 रुपए जुर्माना लिखा जाता है। ऐसे आपने मास्क नहीं लगाया हुआ, पुलिस वाले ने आपका चालान काटा, पेनल्टी भर दी आप, और आपको पेनल्टी 2,000 रुपए लगा दी, आपने 2,000 रुपए दिल्ली सरकार के खाते में जमा करवा दिए, क्या वो 2,000 रुपए आपको सरकार रिफंड करेगी? नहीं करेगी, अभी नहीं करेगी। क्यों करेगी भाई? तो वो क्या इनकम सरकार ने टैक्स से ली है? नहीं, वो कैसी इनकम है सरकार की? नॉन टैक्सेबल इनकम है। एक और एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैं बाइक से जा रहा हूं, बाय रोड जा रहा हूं, और आगे लाल बत्ती लगी हुई थी, मुझे लाल बत्ती दिखाई नहीं दी और मैंने उसको क्रॉस कर दिया। क्रॉस करते ही पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया, और पकड़ते ही मुझे क्या करा, 2,000 रुपए का क्या लगा दिया, मुझे फाइन लगा दिया। 2,000 रुपए मैंने उसको फाइन दे दिया। 2,000 रुपए जो फाइन दिया वो सरकार की कैसी इनकम है? नॉन टैक्सेबल इनकम है। मतलब जितनी भी पेनल्टी हो गई, जितनी भी फाइन्स हो गई, जुर्माना हो गया, जो भी है सारा, वो सारा का सारा किसमें आता है? नॉन टैक्सेबल है। ये टैक्सेबल इनकम नहीं है, ये नॉन टैक्सेबल इनकम है। क्या सरकार आपको चालान का वापस पैसा देती है? नहीं देती कभी भी। वो सरकार की क्या है? इनकम है। क्या सरकार की जिम्मेवारी बनती है वो पैसा आपको वापस करे? नहीं बनती है। तो गवर्नमेंट की ऐसी इनकम जिस पर गवर्नमेंट की लायबिलिटी न हो, ये पैसा अगर सरकार के पास एक बार आ गया ना, तो सरकार आपको ये पैसा वापिस नहीं देती है। वही क्या होती है? सरकार की रिवेन्यू इनकम होती है। तो
टैक्सेबल तो टैक्स से आप इनकम टैक्स भरते हो सरकार को हर महीने हर साल जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है उसके अकॉर्डिंग आप इनकम टैक्स भरते हो, क्या आपको टैक्स का जो पैसा होता है सरकार वापस करती है? नहीं करती है। जो भी आप पेनल्टी लगाते हो, जैसे आपने देखा होगा अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई या आपकी गाड़ी पोल्यूशन कर रही है काफी, ठीक है, या आपने कोई सिग्नल तोड़ा है या कोई रूल्स तोड़ा है गवर्नमेंट का, तो आपको क्या देनी पड़ती है? पेनल्टी देनी पड़ती है। तो पेनल्टी वो फाउल जो चार्ज है वो फाइन है वो क्या कहलाता है? नॉन टैक्सेबल इनकम है, सरकार की रिवेन्यू इनकम है। दूसरी बात करें नॉन टैक्सेबल इनकम कौन सी होती है, तो बात की जाए आपने अगर डीएल वगैरह बनाया होता है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाया है, कोई वोटर आईडी बनवाई है, कोई पासपोर्ट बनवाया है अगर आपने, कोई अगर आपने अपनी शॉप का लाइसेंस बनवाया है, तो क्या लाइसेंस वगैरह के अंदर आपकी कोई रजिस्ट्रेशन फीस लगती है? आपने डीएल बनवाया होगा तो कोई 500-700 रुपए, या आपने सभी ने पासपोर्ट बनवाया होगा तो उसकी 1500 रुपए गवर्नमेंट के द्वारा फीस ली जाती है, देखा होगा आप सभी ने। जो भी रजिस्ट्रेशन फीस है आपकी, जो भी चार्जेस लेती है गवर्नमेंट आपसे रजिस्ट्रेशन के, क्या वो सरकार आपको वापस करती है? नहीं करती है। वो भी सरकार की क्या है, एक तरह की, मान लीजिए दिवाली के टाइम पे आपने पटाखों का अड्डा लगाना है, बहुत बड़ी पटाखों की शॉप लगानी है या पटाखों की फैक्ट्री खोलनी है आपने पटाखों की दिवाली से पहले। अब आपको ध्यान है हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है कि 5 चीजों के लिए लाइसेंस की जरूरत है आपको, केमिकल्स है, गन है, या पटाखे वगैरह बना रहे हो, इन सब चीजों के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब लाइसेंस की कुछ फीस होती है, कुछ प्रोसेसिंग चार्ज होता है, रजिस्ट्रेशन फीस होती है, मान लीजिए 1000 रुपए पटाखों का लाइसेंस लेने की फीस है। आपने 1000 रुपए जमा कराए सरकार के खाते में और आपको सरकार ने लाइसेंस बनाकर एक पेपर सा कागज सा पकड़ा दिया, ले जाओ जी। अब क्या आप दिवाली के बाद आपने वो पटाखों का काम बंद कर दिया और आप सरकार के पास अपने लाइसेंस वापिस लेकर जाओ कि मुझे अपने रजिस्ट्रेशन की फीस वापिस मिल जाएगी, क्या सरकार आपको वो रजिस्ट्रेशन की फीस जो आपका चार्ज था वो वापिस देगी? नहीं देगी। क्या सरकार की जिम्मेवारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो देने की? नहीं बनती है। तो ऐसी इनकम सरकार की कौन सी इनकम कहलाती है? रिवेन्यू इनकम कहलाती है, राजस्व आय कहलाती है, जिस पर सरकार का आप वापिस देने की, सरकार को वापिस देने की लायबिलिटी नहीं होती है। तो फाइन के द्वारा, पेनल्टी के द्वारा जो पैसा आया उसे क्या कहते हैं? नॉन टैक्सेबल में। जो भी रजिस्ट्रेशन फीस थी उससे पैसा आया वो क्या होगा? आपका नॉन टैक्सेबल में। इसके बाद अगर बात करूं मैं, जैसे जितने भी गिफ्ट्स और ग्रांट्स की बात करूं, इसमें बहुत बार पूछा है गिफ्ट्स और ग्रांट्स किस में आते हैं। गिफ्ट का मतलब क्या, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो किसी विदेशी यात्रा पर गए, ठीक है, वहां पर मान लीजिए अमेरिका की बात करें, अमेरिका के रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। अभी ध्यान रखना डोनाल्ड ट्रंप ही हैं हमारे देश अमेरिका के प्रेसिडेंट, जो बाइडन नहीं है। जो बाइडन बनेंगे 20 जनवरी 2021 को बनेंगे, ध्यान रखने की चीज। कईयों को लगता है कि जो बाइडन अभी बन चुके हैं, अभी बने नहीं है वो। अभी रिसेंटली अमेरिका के राष्ट्रपति अगर पूछा जाए आपसे तो आपका यही रहेगा डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अगले साल जनवरी 2021 में, 20 जनवरी 2021 को बनेंगे नए, वो बनेंगे जो बाइडन, ठीक है, ध्यान रखना है। तो डोनाल्ड ट्रंप मान लीजिए अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है वो भारत के प्राइम मिनिस्टर को कोई गिफ्ट देते हैं, ठीक है, तो वो गिफ्ट जो है वो किस में आएगा? रिवेन्यू इनकम में आता है। ग्रांट्स का मतलब क्या होता है, ये बहुत बार पूछा है ग्रांट्स का मतलब। ग्रांट्स जैसे क्या होता है, जैसे अभी देखा होगा आपने निवार एक चक्रवात आया, साइक्लोन आया, ठीक है, या उससे पहले काफी साइक्लोन आए थे हमारे, ठीक है। अब वो साइक्लोन आते हैं, काफी चक्रवात जो आते हैं, तूफान आते हैं, उससे हमारे जो सी पॉइंट हैं, जो कोस्टल एरिया हैं, ठीक है, वहां पर क्या होता है, बहुत बड़ी तबाही हो जाती है। मान लीजिए केरल के अंदर आपने देखा हो बहुत तबाही आई, बाढ़ के अंदर काफी गांव के गांव बह गए, बहुत नुकसान हुआ। अब उस नुकसान के लिए बहुत से पड़ोसी देश जो होते हैं, जो नेबर कंट्रीज होती है, वो हमारी क्या करती है, मदद करती है, हेल्प करती है, पैसे से फाइनेंशियली हेल्प करती है कि हम इसके लिए 1 करोड़ रुपए दान दे रहे हैं या 1 करोड़ रुपए का आपको डोनेशन दे रहे हैं कि आपके वहां पे सुरक्षा की दृष्टि से, ठीक है। अब वो जो पैसा आया, ग्रांट्स जो आया, क्या हमें वो वापस करना होता है? सरकार को वो पैसा वापस करने की जिम्मेवारी बनती है? नहीं। उन्होंने हेल्प के लिए दिया पैसा, वो कैसी इनकम है सरकार की? नॉन टैक्सेबल इनकम है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि सरकार की ऐसी इनकम जिस पर सरकार की वापिस लेने की लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व नहीं होता है,
वो सरकार की रिवेन्यू इनकम कहलाती है। सरकार की रिवेन्यू इनकम होती है दो प्रकार से, एक आता है टैक्सेबल, सभी को पता है टैक्स के द्वारा तो सरकार को इनकम होती ही होती है। इसके अलावा सरकार के नॉन टैक्सेबल इनकम भी काफी सारी है, जैसे पेनल्टी हो गई, फाइन हो गया, रजिस्ट्रेशन की फीस हो गई, गिफ्ट हो गए, ठीक है, ग्रांट हो गए, ये भी सरकार की क्या है, इनकम के सोर्सेज हैं जो वापस सरकार को वापस देने की लायबिलिटी नहीं बनती। समझ आया होगा कोई चीज, आई होप। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल इनकम, हेडिंग लिख लीजिए नेक्स्ट कैपिटल इनकम, पूंजीगत आय। ये कौन सी इनकम होती है, तो गवर्नमेंट की ऐसी इनकम जिस पर सरकार की लायबिलिटी, ध्यान रखना ये वर्ड में बार बार बोल रहा हूं, गवर्नमेंट की ऐसी इनकम जिस पर गवर्नमेंट की लायबिलिटी होती है, दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है वापिस देने की, वापिस देने की जिम्मेदारी होती है, वो क्या होती है, कैपिटल इनकम होती है। एग्जाम्पल से पढ़ते, आरबीआई से लिया गया लोन, भारत सरकार को आपने देखा बजट बनाने के लिए पैसों की कमी पड़ गई, मान लीजिए आपको बताया मैंने, याद आ रहा हो कुछ, मैंने आपको कहा था बजट, बजट के अंदर कहा था हमारा जो भारत देश है वो डेप्रिशिएट बजट को फॉलो करता है, जो विकासशील देशों में देखने को मिलता है। अब सरकार के पास इनकम तो हो गई टैक्स नॉन टैक्स से सारों से 100 रुपए, सरकार ने बजट में खर्च कर दिए 110 रुपए, सरकार चल रही है 10 रुपए घाटे के अंदर चल रही है। अब सरकार इस घाटे को पूरा करने के लिए क्या करेगी, आपको बताया था मैंने, या तो लोन लेगी है ना, या जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं उनको बढ़ा देगी। अब लोन सरकार किससे लेगी, मान लीजिए वर्ल्ड बैंक से लोन ले ले, या मान लीजिए आरबीआई से लोन ले ले। अब मान लीजिए आरबीआई से सरकार ने लोन ले लिया, सरकार के पास इनकम आ गई, पैसा आ गया, क्या आरबीआई सरकार को लोन फ्री में देगा, टैक्स को लेगा, सॉरी इंटरेस्ट तो लेगा ही वो। या मान लीजिए भारत सरकार किसी और कंट्री से लोन लेती है, आईएमएफ से लेती है, वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है मान लीजिए, तो क्या वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ भारत को फ्री में लोन दे देगा, नहीं देगा, वो कुछ बदले में इंटरेस्ट भी लेगा। चलो इंटरेस्ट तो लेगा ही लेगा, वो तो नॉर्मल सी बात है। सरकार ने अगर आरबीआई से अगर लोन लिया है, इनकम हुई है सरकार को, सरकार का वो पैसा वापस करेगी, करना पड़ेगा सरकार को, तो सरकार की ऐसी इनकम जो सरकार को वापस देने की लायबिलिटी बनती है, वर्ल्ड बैंक से भारत सरकार ने 10 करोड़ का लोन ले लिया, एक बार इनकम हो गई, वापस देने की जिम्मेवारी बनती है सरकार की कि उसे विद इंटरेस्ट वह पैसा वापस किया जाए, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट ले रहा है नहीं ले रहा वो तो बात की बात है, उसकी बात है, लेकिन पैसा वापस देना पड़ता है। आरबीआई की बात करें, आरबीआई ने अगर क्या किया, भारत सरकार को लोन दे दिया, अब भारत सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो लोन वापिस से आरबीआई को दे। एक एग्जांपल समझाता हूं आपको, देखिए कि मुझे पैसे की जरूरत हुई, मुझे पैसों की क्या हुई, जरूरत हुई, मैं अपने फादर के पास गया, ये काटना है यहां तक, रुकना है, बस काट देना है यहां पे, काट, तो समझ में आएगा आपको। इनकम दो प्रकार की होती है, रिवेन्यू इनकम की गवर्नमेंट की ऐसी इनकम जिस पर गवर्नमेंट की लायबिलिटी नहीं होती वापस देने की, वो गवर्नमेंट की रिवेन्यू इनकम कहलाती है। इसमें टैक्स से इनकम आती है और नॉन टैक्स से भी सरकार को इनकम आती है। एक होती है कैपिटल इनकम जिसे कहते हैं पूंजीगत आय, कि ऐसी इनकम सरकार की जिस पर सरकार को वापस देने की जिम्मेवारी लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, कैपिटल इनकम कहलाती है। जैसे आरबीआई से लिया गया लोन या वर्ल्ड बैंक से लिया गया लोन, वो क्या सा होता है, कैपिटल इनकम में आता है। ये तो हो गई सरकार की इनकम, सरकार का पैसा आ गया, कहीं पर वापिस दिया कहीं पर वापिस नहीं दिया। अब आता है कि सरकार उस पैसे को खर्च कहां कहां पर करती है, एक्सपेंडिचर क्या होते हैं सरकार के, तो फर्स्ट आता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व खर्च, सरकार के ऐसे खर्चे, सरकार के ऐसे खर्चे जिस पर
प्रकार के ऐसे खर्चे जिस पर भविष्य में आय या उत्पादन संभव न हो, संभव न हो, राजस्व खर्च कहलाते हैं। सरकार के ऐसे एक्सपेंडिचर जिस पर इन फ्यूचर सरकार को कोई इनकम या प्रोडक्शन न हो, कोई भी आय या उत्पादन न हो, कोई भी आय या उत्पादन न हो, वो सरकार की कैसे कहलाती है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाती है। जैसे अब सरकार के पास इनकम आ गई, सरकार उस पैसे को खर्च कहां पर करेगी? सरकार के ऐसे एक्सपेंडिचर खर्चे जिन पर इन फ्यूचर कोई भी इनकम या प्रोडक्शन जनरेट न हो। देखिए कैसे, एग्जांपल देखते हैं। सैलरी जो भारत सरकार है वो सैलरी देती है हमारी इंडियन आर्मी को, हमारी पुलिस को, हमारी जो सफाई वगैरह करते हैं पुलिस वाले जो होते हैं, ठीक है, इनको क्या देती है सरकार? हर महीने सैलरी देती है। अब सरकार ने इनको सैलरी दे दी, ठीक है, इंडियन आर्मी को या हमारी जो भी सैनिक जो है हमारे, उनको सैलरी दे दी। क्या इनसे कोई इन फ्यूचर, सरकार ने सैलरी दे दी, खर्चा हो गया सरकार का, क्या इससे सरकार को कोई इनकम आएगी इन फ्यूचर? नहीं। क्या इनसे कोई प्रोडक्शन जनरेट होगी? बिल्कुल नहीं होगी। सरकार के ऐसे खर्चे जिन पर भविष्य में कोई भी इनकम या प्रोडक्शन जनरेट न हो, वो सरकार की क्या कहलाती है? राजस्व खर्च कहलाते हैं। जैसे लिख लेना, पेंशन है, पेंशन की बात करूं, सरकार हर महीने जैसे अटल पेंशन योजना के तहत जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें क्या देती है? हर महीने पेंशन देती है। सरकार ने पेंशन दे दी, सरकार के खजाने से खजाना चला गया, खर्च हुआ है सरकार का, क्या इन फ्यूचर उस पेंशन से कोई इनकम जनरेट होगी? नहीं होगी। क्या उस पेंशन से कोई प्रोडक्शन जनरेट होगी? नहीं होगी। तो सरकार के ऐसे खर्चे जिनसे इन फ्यूचर कोई प्रोडक्शन या इनकम जनरेट न हो, दैट कॉल्ड इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल मिल लेना, सैलरी, या बात करें इसके अलावा सैलरी के बाद पेंशन, या सरकार जो सब्सिडी वगैरह देती है, तो इससे सरकार को सिर्फ खर्चा होता है, इससे सरकार को कोई इनकम या प्रोडक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट और लास्ट बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत खर्च, सरकार के ऐसे खर्चे जिनसे भविष्य में आय या उत्पादन संभव हो, आय या उत्पादन संभव हो, इनकम या प्रोडक्शन जनरेट हो, सरकार के ऐसे एक्सपेंडिचर जिनसे इन फ्यूचर इनकम या प्रोडक्शन जनरेट हो। एग्जांपल देते हैं कि सरकार ने आज क्या किया, मान लीजिए 500 करोड़ रुपए लगाकर, सरकार ने 5000 करोड़ रुपए लगाकर मान लीजिए एक मेडिकल कॉलेज बना दिया, 5000 रुपए लगाकर एक मेडिकल कॉलेज बना दिया। सरकार ने आज तो उस पर खर्चा कर दिया 5000 करोड़ रुपए का मान लीजिए, लेकिन क्या इन फ्यूचर उससे इनकम आएगी? आएगी मेडिकल कॉलेज से, अगर उसमें इलाज वगैरह होगा, ट्रीटमेंट वगैरह होगा, स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आएंगे वहां पर, नर्सिंग के कोर्स करवाए जाएंगे, तो वहां से सरकार को क्या आएगी? इनकम आएगी। मान लीजिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपए लगाकर एक नेशनल हाईवे बना दिया, ठीक है, दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने के लिए या दिल्ली को यूपी से जोड़ने के लिए यमुना एक्सप्रेस वे बना दिया, मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए लगाकर। सरकार ने आज तो वहां पर 1000 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया खर्चा, लेकिन क्या इन फ्यूचर सरकार को वहां से कोई इनकम या प्रोडक्शन जनरेट होगी? होगी। क्यों? अगर आप वहां से गुजरोगे तो वहां पे आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा, वो टोल टैक्स सरकार की क्या है? इनकम है। वो टोल टैक्स सरकार की कैसी इनकम है? रिवेन्यू इनकम है। क्या टोल टैक्स आपको वापस देती है सरकार? नहीं देती। लेकिन जो सड़क बनाई है वो कैसा खर्चा है? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कि वहां पर जो पैसा तो लगा दिया, खर्च तो कर दिया, लेकिन इन फ्यूचर वहां से कुछ इनकम भी जनरेट होगी। तो सरकार के ऐसे खर्चे जहां पर इन फ्यूचर इनकम या प्रोडक्शन जनरेट हो, वो क्या होती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जहां पर इनकम एंड प्रोडक्शन जनरेट न हो, वो क्या होती है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सरकार की ऐसी इनकम जिसे वापस देने की लाइबिलिटी होती है, वो क्या होती है? कैपिटल इनकम।
एंड जिसमें सरकार को वापस देने की लायबिलिटी नहीं होती है वो कौन सी होती है? रिवेन्यू इनकम होती है। या कोई चीज, ये हमारा एक टॉपिक था पूरा, रिवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको एग्जांपल देगा इसके अंदर कि सरकार क्या करती है, एग्जांपल के अकॉर्डिंग कि आपको बताना है कि वो सरकार की इनकम है तो कैसी है, खर्चा है तो किस प्रकार का खर्चा। ये आपने देखा ही था कि अगर इनकम अगर क्या हो, कम हो, और एक्सपेंडिचर क्या हो, अगर ज्यादा हो, तो सरकार क्या चलती है? घाटे में चलती है। उसे क्या कहते हैं? डेफिशिएंट बजट कहते हैं। आया कोई चीज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए आपको करवाया। ये बजट के अंदर आता है फिस्कल पॉलिसी, राजस्व नीति। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपके लिए इतना ही।